जय माता दी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माइग्रेन के घरेलू उपचार, मैंने आपको इससे पहले वीडियो दी है कि माइग्रेन की पहचान क्या है, माइग्रेन के लक्षण क्या हैं, माइग्रेन क्या है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताई हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से घरेलू उपचार से इस माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को इन परेशानियों से बचा के रख सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि इसमें हल्के हल्के चक्कर आते रहते हैं, हर समय आपको अनकंफर्ट फील होता रहता है, सिर में हमेशा भारीपन बना रहेगा, चिड़चिड़ापन अंदर से हो जाता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना शुरू होता है, आपको शोर बर्दाश्त नहीं होगा, तेज़ आवाज़ बर्दाश्त नहीं होगी, तेज़ म्यूजिक मतलब किसी भी चीज़ का आपको शोर बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में आप जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ये सारे लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं माइग्रेन के। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को आप कैसे बचाए रख सकते हैं, अब मैं आपको एक एक करके यहाँ पर सब घरेलू चीज़ें बता रही हूँ जिससे आप अपने आप को हेल्दी बना कर रख सकते हैं। जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, सबसे मेन चीज़ आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। लगभग आप कोशिश कीजिए 3-3.5 लीटर पानी आपको पूरे दिन में ज़रूर पीना है। इससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर एक नमी बनी रहेगी, पानी की जब कमी नहीं होगी, आप कोई भी दवाइयाँ लेंगे, कुछ भी आप लेंगे, तो बहुत जल्दी आपके बॉडी पर असर करेंगी। उसके अलावा जब आपके बॉडी के अंदर पानी भरपूर मात्रा में होगा तो आपका जो सिर की आपके नसें हैं, आपके पूरी बॉडी की नसें बहुत अच्छी तरीके से विकसित होती हैं और आपको छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा आता है ये थोड़ा सा कम रहेगा, कंट्रोल रहेगा। उसके अलावा जो माइग्रेन के पेशेंट हैं, आप हमेशा प्रयास ये कीजिए कि जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है आप उनसे दूर रहिए, अपने आप को उनसे दूर रखिए। अगर आपको शोर पसंद नहीं है तो आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में कम जाइए, मत जाइए, क्योंकि जहाँ पर भीड़ होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ शोर भी होगा। आपको तेज़ आवाज़ पसंद नहीं है तो घर के जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको समझाने का प्रयास कीजिए कि घर में शोर अधिक ना हो। और अगर फिर भी यह संभव नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जहाँ पर कि जॉइंट फैमिली है, तो वहाँ पर आप हर किसी को मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली में भी हर तरह के लोग होते हैं। तो ऐसे में कोशिश कीजिए एकांत की, अपने रूम का आप डोर क्लोज कर लीजिए यानी दरवाज़ा बंद कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कि अंदर बहुत अधिक शोर ना आए। और आप कुछ समय बिल्कुल पूरी तरीके से दिमाग की रेस्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो माइग्रेन के पेशेंट हैं उनके लिए मेंटली रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दिन में 1-2 घंटे का समय निकाल करके अपने लिए सोइए ज़रूर। अगर आपको माइग्रेन है तो दिन में आप कैसे भी करके अपना समय निकालिए 1-2 घंटा, 2 घंटा अगर नहीं भी निकाल सकते तो भी कम से कम 1 घंटा आपको सो ही जाना है, इससे आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। उसके अलावा खाने में हम क्या ले लें, खाने में मैं आपको देखिए हरी सब्जियां और सलाद तो आपको हमेशा बिल्कुल रामबाण हैं, हर चीज़ में फ़ायदा करती हैं, लेकिन जो हमारा ये माइग्रेन है इसके लिए आप अलसी लीजिए। अलसी छोटे छोटे से बीज होते हैं ब्राउन कलर के, आप किसी भी पंसारी की दुकान पर मांगेंगे आपको अलसी मिल जाएगी। आप अलसी को कई तरीके से खा सकते हैं, कैसे, 100-150 ग्राम आप अलसी अच्छी तरीके से पहले भीन लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी के एकड़ भी हो सकते हैं, तो अच्छी तरीके से भीन के आप उसको साफ़ कर लीजिए, छलनी से इसको छान लीजिए, कोई बारीक कड़ हो तो वो निकल जाएंगे। उसके बाद में आप किसी तवा के ऊपर या किसी पैन में इसको सूखा भून लीजिए, इसके अंदर आपको कोई भी चिकनाई या तेल डालने की ज़रूरत नहीं, इसको सूखा भून लीजिए। पहले तवा या कढ़ाई को अच्छी तरीके से आप गर्म हो जाने दीजिए, फिर आँच को एकदम कम कर दीजिए, उसके बाद उसी बर्तन में आप इस अलसी को डालिए, हल्का सा हिलाइए, उसके बाद में ढक दीजिए और आँच को बंद कर दीजिए और ऊपर से पकड़ के बर्तन को हल्का हल्का सा हिलाते रहिए, क्योंकि अलसी जब गर्म होगी तो इसके बीज छिटकते हैं तो इधर उधर वो निकल सकते हैं, इसलिए जब आप ऊपर से ढक्कन लगा देंगे तो उसी के अंदर बीज रहेंगे। और 3-4 मिनट के लिए आप इसको बंद कर दीजिए, उसके बाद में ढक्कन हटा दीजिए, 10-15 मिनट उसी गर्म बर्तन के अंदर आप ये बीज पड़े रहने दीजिए, वो बहुत अच्छी तरीके से भून जाएंगे। अब इनको खाना कैसे है, इन बीजों को आप सलाद में डाल के खा सकते हैं, जैसे आप सलाद खा रहे हैं उसके अंदर आप 1 चम्मच अलसी के बीज डाल दीजिए, या आप सुबह जब सो के उठते हैं तो आप सबसे पहले बासी मुँह 1 चम्मच भुने हुए अलसी के बीज खा लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए जब आप ये खाएंगे उसके आधा घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, ना चाय ना कुछ और। अगली चीज़, आप अलसी के लड्डू बना के रख सकते हैं।
दो से 250 ग्राम अलसी को अच्छी तरीके से आप भून लीजिए। आप चाहें तो इसको दरदरा पीस भी सकते हैं या कूट सकते हैं या साबुत भी डाल सकते हैं। फिर उसी अनुपात में आप बेसन या चने का आटा, चने से बेसन भी बनता है लेकिन भुने चने का भी आप आटा डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसमें मिक्स करके अच्छी तरीके से भून के देसी घी आप डालिए, थोड़ा सा गूंद आप मिक्स कर लीजिए और लड्डू बांध लीजिए। मिठास में आपको जो पसंद है, मिश्री, चीनी, गुड़ आप जो चाहें डाल सकते हैं। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप मिश्री का इस्तेमाल कीजिएगा या पुराना गुड़ मिल जाए वो इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके लिए नुकसान नहीं रहेगा। ये लड्डू बांध के आप रख लीजिए और सुबह शाम आपको दो दो लड्डू खाने हैं। ये आप चाहें तो सुबह नाश्ता के टाइम खा सकते हैं और रात को भोजन से आधा घंटे बाद। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें खा के अपने आप को आप हेल्दी बना के रख सकते हैं। इसके अलावा जिन चीज़ों से मैंने आपसे कहा आपको हेडेक होता है, आपको बुरा लगता है, आपको अंदर से गुस्सा फील होता है, उन चीज़ों से खुद को बचा के रखिए। सुबह अगर हो सके तो मॉर्निंग वॉक कीजिए, थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम के लिए आपको कुछ खास नहीं करना, इस तरीके से एक साइड की नाक बंद कीजिए, एक साइड से जितनी गहरी हो सके। मान लिया आप इस नॉर्मल अवस्था में बैठे, जब आप ऊपर को सांस खींचेंगे इस तरीके से अपने बॉडी को आप फील करेंगे ऊपर को उठते हुए, और आप एक गहरी सांस लीजिए। उसके बाद में इसी तरीके जैसे आपने ये नाक बंद कर रखी, इधर से आप सांस ले रहे हैं, फिर जब आप सांस एकदम ले चुके फिर आप इस नाक को बंद कीजिए और इस नाक से आप धीरे धीरे अपनी सांस छोड़िए, फिर बॉडी आपकी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। आप ये 2 मिनट से शुरू कीजिए, अगर आपकी आदत नहीं करने की तो आप 2-2.5 मिनट से शुरू कीजिए, यानी शुरुआत में आप 2-2.5 मिनट कीजिए, उसके बाद में आप 5, 7 और 10 मिनट तक अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो दिमाग की नसें हैं खुलेंगी, आपके दिमाग में या आपके यहाँ मस्तिष्क में या कहीं भी अगर कफ जमा हुआ है, जुकाम जिन लोगों को रहता है तो कफ इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी धीरे धीरे करके एकदम निकल जाएगा। आपकी नाक साफ़ होनी शुरू हो जाएगी, रहने लगेगी साफ, और जो दिमाग आपका है काफ़ी आपको हल्का फील होगा। अनुलोम विलोम करते करते आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रयासों से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो काम की लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।